दोस्तों, अगर आप गेम खेलते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके बड़े बुजुर्ग या तो फिर आपके स्कूल के कोई टीचर आपको ये कहता है कि बेटा वीडियो गेम मत खेल, ये तेरे लाइफ को बर्बाद करके छोड़ेगा, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। देखिए, वीडियो गेम के बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इफ यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम देन यू आर इन अ राइट ट्रैक। लेट मी टेल यू हाउ। इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं कुछ कुछ रिसर्च बेस्ड प्रूवन रीजन के बारे में बात करूंगा जो कि वीडियो गेम खेलने वाले लोगों को बहुत ही रिलेवेंस लगेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला, वीडियो गेम अगर आप खेलते हो देन इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर विजन। जो आपकी दृष्टि शक्ति है इसको इम्प्रूव करता है, इसको इंक्रीज करता है। अगर कहा जाए एक विजुअल एबिलिटी हम सभी में जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन, तो इसको बहुत ही ज्यादा हद तक इम्प्रूव कर देता है अगर आप फर्स्ट पर्सन शूटर वाला गेम खेलते हो, जैसे कि आपके फार क्राई हो गए, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटीज वगैरह हो गए। फर्स्ट पर्सन शूटर मतलब आप सोच सकते हो कि वो वीडियो गेम पे आप ऐसे खेल रहे हो जैसे कि आप ही उस वीडियो गेम पे हो, आप अपना शरीर को नहीं देख सकते हो। तो ऐसे सिनारियोस पे आपके कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी जो होते हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं कंपेयर टू द नॉन गेमर जो बिल्कुल भी निकी गेम नहीं खेलते, उनके ये विजुअल सेंसिटिविटी धीरे धीरे लैप्स होती चली जाती है। सो इट इज क्वाइट एक्साइटिंग दैट यू प्ले वीडियो गेम, कीप ऑन प्लेइंग बडी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, वीडियो गेम अगर आप खेलते हो तो ये आपके पेन एंड स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मेडिकल स्टडी में ये प्रूव हो चुका है कि वीडियो गेम खेलने वाले जो लोग होते हैं वो पेन को ज्यादा हद तक महसूस नहीं करते कंपेयर टू द नॉन गेमर्स। जैसे कि आपके एंग्री वर्ड्स वगैरह गेम हो गए, या तो फिर ऐसे ही कोई मोबाइल गेम पकड़ लो, आप अगर एक बार गेम खेलने लग जाओ, मान लो कि आपके घुटने में दर्द है, तो गेम खेलने के दौरान आपको दर्द महसूस नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत ही सीमित मात्रा में होगी। अगर आप गेम नहीं खेलते हो तो ऐसे में आपको दर्द और भी ज्यादा महसूस होगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि गेमिंग हम लोगों के लाइफ में एक रिलैक्सेशन सा पैदा करता है, हम लोगों के मूड को अपलिफ्ट करता है और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी जो है, डर जो है, उसको खत्म कर देता है। हमारे मूड एक गुड स्टेट में चले जाते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस भी अलग दायरा लेता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज क्वाइट ऑसम टू प्ले वीडियो गेम एंड गेट रीड ऑफ योर पेन फॉर सम टाइम। और कभी कभार अगर पेन आपका ज्यादा है तो वीडियो गेम छोड़ो और डॉक्टर को दिखा लो। अब देखिए, वीडियो गेम खेलना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जितने भी सारे स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम है, एक्शन पैक गेम है, जैसे कि आपके अनचार्टेड सीरीज हो गए या तो फिर आपके टोम रेडर सीरीज हो गए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पजल्स मिलेंगे। मोबाइल गेम की अगर बात करें तो सुडोकू हो गए, वैसे भी बहुत सारे और भी पजल्स गेम है जो आप खेल सकते हो। और ऐसे रियल टाइम स्ट्रेटेजी वाला गेम खेलने से क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिसके साथ साथ आप नॉर्मल टास्क को बहुत ही आसानी से कर सकते हो कंपेयर टू द नॉन गेमर्स। ठीक है, क्योंकि वीडियो गेम आपके ब्रेन को चैलेंज करता है। हाँ, मैं जानता हूं कि कई कई दफा आप पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि गेम को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। लोग कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ गेम, छोड़ दीजिए, यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख लीजिए। अपने मस्तिष्क को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, गेम आप रिलैक्सेशन के लिए खेल रहे हो, ये बात आपको जहन में रखनी है। फिर हम लोग बात करेंगे कि गेम खेलना बहुत ही ज्यादा आपको इनकरेज करता है फिजिकल एक्टिविटी भी करवाने में। कैसे हो सकता है? जैसे कि आप जब बचपन में पहली बार फीफा के कोई गेम खेले थे, या तो फिर कोई टेनिस गेम, या तो फिर कोई बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट्स टाइप ऑफ गेम, तो आपको भी वो गेम्स के रूल पता हो गए थे, आपको मालूम पड़ गया था ये गेम का दायरा क्या है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप तो ये गेम को रियल टाइम में भी खेलना चाहते थे। हो सकता है ये कि आप खेल भी चुके हो, जैसे कि मैं टेनिस खेल चुका हूं, बट बिफोर दैट आई प्लेड लॉट्स ऑफ टेनिस गेम इन प्लेस्टेशन। दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू आर इनटू द गेमिंग वर्ल्ड। वीडियो गेम आपको इनकरेज करता है फिजिकल एक्टिविटी को करने में, एंड दिस इज क्वाइट गुड। जो बच्चे को डायलेक्सिया होता है या आंखों का एक प्रॉब्लम है, वो डायलेक्सिया जिसको होता है उसको पढ़ने में ना बहुत तकलीफ होता है। एक रिसर्च पे देखा गया है कि रेमन रेविंग रैबिट्स को 12 घंटे खेलने के बाद जिन जिन बच्चों का डायलेक्सिया था उनका रीडिंग कैपेबिलिटी, टेक्स्ट रीडिंग की बात कर रहे हो, बहुत ही इम्प्रूव हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि गेमिंग जब आप करते हो तो आप पूरा फोकस के साथ करते हो और आपकी अटेंशन स्किल मेक इट इजियर फॉर यू टू रीड फास्टर
एंड वीट बेटर। जो गेमर होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, क्योंकि गेमिंग कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। कोई चीज एक नया तरीके से बनाना या तो फिर कोई और चीज के जगह किसी और चीज को डालना, स्टारक्राफ्ट जैसे गेम, माइनक्राफ्ट जैसे गेम, ये अगर आप खेलते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से अपने क्रिएटिविटी को बूस्ट कर पाओगे। फास्ट पेस स्ट्रेटेजी गेम्स अगर आप खेलते हो तो ये आपके स्ट्रेटेजीज को बढ़िया बनाता तो है ही, साथ ही साथ आपके मल्टीटास्किंग एबिलिटीज पे भी 4 चांद लाती है। गेमिंग इंप्रूव्स योर सोशल स्किल। जी हाँ, आप जब रोजमर्रे की जिंदगी में बाहर जाते हो, जो लोगों से मिलते हो, जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रेंडली सा हो जाता है इफ यू आर अ प्रो सोशल गेमर, क्योंकि गेमिंग में जो कैरेक्टर आप खेलते हो उस कैरेक्टर को खेलने के माध्यम से आपको एक सुकून मिलता है। और ज्यादातर क्षेत्रों पे जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, जैसे कि अनचार्टेड सीरीज पे नेथन ड्रेक, उसको एक अच्छा बंदा दिखाई जाती है। मैं जानता हूं कि GTA पे कुछ दूसरा चीज है, GTA पे जो ट्रेवर है, माइकल है, फ्रैंकलिन है, उसको कौन कैरेक्टर दिखाई गई है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन आप ज्यादातर गेम्स में अगर देखोगे भैया, तो आपको मिलेगा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि समाज सुधारक के हिसाब से काम करता है, और ये जो नेचर है उस कैरेक्टर को खेलने के दौरान ये आप पे भी आ सकती है। और देखिए, कई कई जगह तो गेमिंग के टूर्नामेंट्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि गेमिंग विल हेल्प यू टू मेक ए ग्रेट टीम बॉन्डिंग। 5 लोग एक साथ मिलके, जो आप लोग गेम वगैरह खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गए, फ्री फायर हो गए, ऐसे जो मल्टीप्लेयर गेम्स है, कैसे आप खेलोगे? जैसे कि एक मोबाइल गेम्स आता था, क्लैश ऑफ क्लैंस, बहुत ही अमेजिंग सा गेम था। मैंने अपने लाइफ के 3 साल बर्बाद तो नहीं कहूंगा, पर बहुत कुछ सीख पाए क्लैश ऑफ क्लैंस गेम के माध्यम से। तो वो गेम पे भी आप टीम वर्क के मदद से वार लड़ सकते थे, और साथ ही साथ आपकी ये बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो जाती थी गेम प्ले के दौरान। तो गेम आपको बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गेमिंग एक्चुअली में आपको मदद करता है आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई क्रेविंग्स है, जैसे कि किसी किसी को सिगरेट का, दारू का, या तो फिर कोई गलत नशा का लत लग चुका है, और ऐसे में 10 मिनट बाद उसको तलब उठती है, तो ये तलब को सस्टेन करने के लिए आप गेमिंग का मुखातिब हो सकते हो, और ऐसे में कुछ मिनटों के लिए जो तलब आपको उठी थी वो चली जाएगी, फिर से जब उठेगा तो वापस आप गेम खेल सकते हो। देखिए, गेम अगर आप अच्छे से खेलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। रिसर्च में देखा गया है जो गेम खेलने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉन गेमर्स डॉक्टर से बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑपरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके हाथ और आंख, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका जो मेल बंधन है, वो बहुत ही बढ़िया टाइप के होते हैं, क्योंकि वो गेमर होते हैं। असैसिन्स क्रीड हो गए, या तो फिर कोई भी एक्शन गेम जैसे कि गोस्ट ऑफ सुशीमा, यू कैन नेम इट। तो आप जब गेम खेलते हो ना, तो आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जो आप टीवी पे देख रहे हो, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो आउटपुट पे, और जो आप इनपुट डाल रहे हो ना अपने कंट्रोलर पे, इट मैटर्स अ लॉट दोस्तों। तो वीडियो गेम्स डेफिनेटली हैव सम बेनिफिट्स इन यू, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप अगर 17-17, 18-18 घंटे इसी के नाम पे गेम खेलते हो कि भैया वीडियो गेम बहुत ही अच्छा है हमारे लाइफ के लिए, तो मैं 18 घंटे गेम खेलूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। लाइफ है, अगर जी रहे हो सब काम करो, गेम खेलना है गेम खेलो, बाहर जाना है पढ़ना है, मस्ती करनी है, खाना है पीना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठनी है, सब कुछ करना है, सब कुछ आप कर सकते हो, सभी को 24 ही घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट इनकरेजिंग एवरीवन टू प्ले वायलेंट गेम्स एज इट डज हैव इट कॉन्स, बट इट ऑल फॉल्स डाउन टू हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ। अब देखिए, गेमिंग के अगर फायदों के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत सारे और भी फायदे हैं, किसी और एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं अगले एपिसोड्स में ऐसे छोटे मोटे और भी 2-4 वीडियोस ला पाऊं जिससे गेमिंग कम्युनिटी की मदद हो। वैसे गेमिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। हैविंग सेड दैट, मेरा नाम था सिद्धार्थ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप ऑन गेमिंग बड़ी।